नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी और आप देख रहे हैं इंडिया चाहता है। ये खास एडिशन आज का सीधे मुंबई से आपके लिए इस वक्त लाइव है। मुंबई में जबरदस्त काले घने बादल छाए हुए हैं, जबरदस्त बारिश हो रही है। आज सुबह जब से मैं मुंबई पहुंचा हूं, इसी बारिश का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इस बारिश के जो काले बादल सियासत पे छाए थे बीते 10 दिनों से, वो अब छट चुके हैं। लेकिन ऐसे छटे हैं कि बहुत सारे ट्विस्ट बीते 24 घंटे में इस प्रदेश की राजधानी यानी मुंबई ने देखे हैं। किसी ने नहीं सोचा था कि एकनाथ शिंदे, जो कि बागी गुट के नेता हैं, जिनके पास 40 के आसपास विधायक हैं, वो नए मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन बीजेपी ने ऐसा कर दिखाया। महाराष्ट्र में महाट्विस्ट हुआ, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हैं और देवेंद्र फडणवीस, जो कि मुख्यमंत्री रह चुके हैं, बीजेपी के पॉपुलर नेताओं में से एक हैं, उनको डिप्टी सीएम के पद पर संतोष करना पड़ा है। लेकिन बीजेपी जो कुछ करती है, चार कदम आगे सोच कर करती है। और मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि आज जो नामांकन भरा गया है स्पीकर पद के लिए, वो बीजेपी के नेता राहुल नार्वेकर ने भर दिया है। उनकी तरफ से स्पीकर पद की दावेदारी का नाम सामने आ चुका है। मंत्रिमंडल विस्तार कब होगा, एकनाथ शिंदे कब अपना मंत्रिमंडल बुलाएंगे, ये अभी तय नहीं है। लेकिन ये जरूर तय है कि इतवार के दिन, रविवार के दिन स्पीकर का चुनाव होगा और सोमवार के दिन विश्वास मत हासिल करेंगे एकनाथ शिंदे। नंबरों के मामले में दिक्कत नहीं है अभी तक, लेकिन 11 जुलाई सुप्रीम कोर्ट की वो तारीख है जब तय होगा 16 विधायकों का की सदस्यता के बारे में, कि उनके नॉमिनेशन को खारिज करना या नहीं करना है। अभी 2-3 दिन एकनाथ शिंदे के लिए और बीजेपी के लिए कतई भी परेशानी वाले नहीं है। लेकिन एक व्यक्ति परेशान जरूर दिखाई दे रहा है और वो है देवेंद्र फडणवीस। देवेंद्र फडणवीस के बारे में हमने आज का सवाल आपसे पूछा है, जो हमने अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किया हुआ है @ABP News पर। इस ट्विटर हैंडल पर जाकर आप हमारे आज के इस सवाल का जवाब जरूर दें, क्योंकि मैं जानना चाहता हूं कि देश क्या सोच रहा है, आप लोग क्या सोच रहे हैं। सवाल आपके सामने है, फडणवीस को डिप्टी सीएम बनाने के बीजेपी आलाकमान के फैसले को आप कैसे देखते हैं? ऑप्शन ए है, 2024 की तैयारी कर रही है पार्टी। ऑप्शन बी है, मराठा वोट पाने के लिए ऐसा किया गया है। और ऑप्शन सी है, फडणवीस के दरअसल पर कतरे गए हैं, उनका साइज छोटा किया गया है। आपको क्या लगता है, ऑप्शन ए, बी या सी, किसी एक पर क्लिक करें @ABP News पर जाकर। और कार्यक्रम के आखिर में नतीजे भी आपको जरूर दिखाएंगे कि आखिरकार ये जनता की राय क्या है कि देवेंद्र फडणवीस को डिप्टी सीएम बनाकर बीजेपी आलाकमान क्या सोच रहा है। और अब बात सबसे चौंकाने वाले एक और फैसले की मैं करना चाहूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर फैसले का बहुत सोच समझ के करते हैं और बहुत दूर की सोच के करते हैं। इस बार भी महाराष्ट्र में जिस तरीके से एकनाथ शिंदे के पीछे बीजेपी खड़ी हुई है, एक मराठा नेता को आगे किया है, इसके पीछे की राजनीति को समझना भी आपके लिए बहुत जरूरी है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने 1-3 से 2 नहीं बल्कि 3 नहीं बल्कि 4 निशाने लगाए हैं। क्या है ये 1-3 से 4 निशाने, इस मराठा कार्ड के जरिए समझाते हैं आपको हमारी इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में, जो फाइल की है विकास भदौरिया और रौनक कुकड़े ने। जरूर देखिए। हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे, धर्मवीर आनंद दिघे साहेबांच्या आशीर्वादाने मी एकनाथ संभाजी शिंदे उनतालीस सीट वाले एकनाथ शिंदे पर बीजेपी का इतना बड़ा दाव क्यों? बीजेपी ने अपने पूर्व मुख्यमंत्री को उप मुख्यमंत्री क्यों बना दिया? बीजेपी की इस सियासी शतरंज के पीछे की कहानी क्या है? पीएम मोदी ने किसी राजनीतिक गणित से बदला है सत्ता का समीकरण? बस 39 विधायकों का पावर, लेकिन सियासी गोटी ऐसी बिछी कि एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र की सबसे बड़ी सियासी पावर बन गए। उप मुख्यमंत्री पद की अटकलों के बीच उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद सबकी नजरें दिल्ली की तरफ घूम गई। आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह कच्ची गोलियां तो खेलते नहीं, तो शिंदे को महाराष्ट्र का सीएम बनाकर
बीजेपी ने एक तीर से कई निशाने लगा दिए, निशाने जो 2024 पर जाकर अचूक बैठेंगे। ये ज्ञानी जरूर कहने की हिम्मत करेंगे कि 2022 के नतीजों ने 2024 के नतीजे तय कर दिए हैं। शिंदे पर बीजेपी के इतने बड़े दाव के पीछे की कहानी को समझिए। बीजेपी ने शिंदे के तीर से चार निशाने लगाए हैं, शिवसेना का खेल, हिंदुत्व कार्ड, मराठा वोट और बाबर की राजनीति। चौंकाने वाली दूरगामी राजनीति में माहिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दाव से विपक्ष हैरान है। दो दिन पहले मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने वाले उद्धव ठाकरे शिंदे को बधाई देने तो आए, लेकिन पीएम मोदी के दाव से पैदा हुई चिंता भी उनमें साफ दिखी। माझा अमित शाह ठरलं होतं की शिवसेना भारतीय जनता पक्षाने 5 वर्ष 2.5 वर्षाचा मुख्यमंत्री पदाचा काळ वाटून घ्यावा। तसं जर का झालं असतं तर आज 2.5 वर्ष झालेलीच आहेत। हे काय आज घडलं ते सन्मानाने झालं असतं। जर तसं घडलं असतं तर महाविकास आघाडीचा जन्मच झाला नसता। उद्धव ठाकरे हिंदुत्व और मराठा राजनीति वाले शिवसेना के मुखिया हैं, लेकिन मराठा समुदाय से आने वाले शिंदे को मुख्यमंत्री बनाकर पीएम मोदी ने मराठा राजनीति वाला वो ध्रुव का पत्ता छीन लिया और इसी में फडणवीस के डिमोशन की भी कहानी छिपी है। महाराष्ट्र में मराठा वोट 33% है। इन पर सबसे ज्यादा प्रभाव एनसीपी नेता शरद पवार का माना जाता है, तो वहीं शिवसेना के पास उद्धव ठाकरे हैं जिनमें हिंदुत्व भी है और मराठा भी, लेकिन बीजेपी के पास कोई बड़ा मराठा नेता नहीं है। अब बीजेपी 3% ब्राह्मण वोट वाले राज्य में फडणवीस पर दाव कैसे लगाती? इसलिए मायूसी का घोट पीकर भी फडणवीस बोले कि वो खुश हैं, मेरे आंसुओं पे ना जाने। उनको ये निर्णय उनका वहाँ पे उन्होंने बताया था और ये निर्णय बताते वक्त उनकी आंखें नम हुई थी और हम सारे लीडर भी वहाँ पे पूरे भावुक हो चुके थे, क्योंकि ये बहुत ही क्लेशदायक और कष्टदायक निर्णय था। तो फख्र है, हमको अभिमान है देवेंद्र जी का कि जिन्होंने इस राज्य के हित के लिए, हिंदुत्व के हित के लिए अपने अहंकार को बाजू में रखा, अपने मान अपमान को बाजू में रखा और स्वीकारा और तुरंत काम को लगे। 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना विजय पताका लहराना शुरू किया तो शुरुआत में ही नारा दिया सबका साथ सबका विश्वास। सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, इसी श्रद्धा के साथ हम सब जुट चुके हैं। मोदी ने जो कहा वो किया, तब सत्ता के लिए जाति के जोड़ तोड़ की परिभाषा बदल दी। महाराष्ट्र में 3% वोट वाले ब्राह्मण नेता देवेंद्र फडणवीस को सीएम बनाया, आदिवासी राज्य झारखंड में गैर आदिवासी रघुवर दास को मुख्यमंत्री बनाया, जाट बहुल वाले हरियाणा में गैर जाट मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन 5 साल बाद महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार नहीं बना पाई, झारखंड में बेहद बुरी हार गई और हरियाणा में जैसे तैसे जेजेपी की बैसाखी पर खट्टर की सरकार बनी। तो सूझबूझ वाला नेता उसको ही माना जाता है जो अपने पुराने फैसले की कब्र पर नाइंसाफी की इमारत ना बनाए। पीएम मोदी ने शिंदे के जरिए देश के सबसे कमाऊ राज्यों में से एक महाराष्ट्र में कमल खिलाने की पूरी तैयारी की है। शिंदे का ठाणे से लेकर समूचे कोंकण बेल्ट में प्रभाव है, जहां विधानसभा की 75 सीटें हैं। वही शिंदे सतारा के रहने वाले हैं जो मराठालैंड है और जहां पवार का प्रभुत्व माना जाता है। शिंदे हिंदुत्व की दुहाई देकर ही शिवसेना से बाकी हुए थे, तो वो हिंदुत्व 1.25 लाख पर एक चढ़ाव वाली तर्ज पर काम आ जाएगा। जो बात है ठाकरे हिंदुत्व की जो बात है हम लोग आगे ले जा रहे हैं और शिवसेना में हम लोग हैं और शिवसेना को आगे ले जा रहे हैं। फिर भी कुछ सवाल है जो आने वाले दिनों में बीजेपी का पीछा करते रहेंगे। सवाल यह है कि क्या एकनाथ शिंदे 2024 तक मुख्यमंत्री बने रहेंगे? क्या बीजेपी बड़ी पार्टी होने के बाद भी शिंदे सरकार में जूनियर पार्टी के तौर पर काम करती रहेगी? और क्या एकनाथ शिंदे बतौर मुख्यमंत्री अपनी पार्टी का जनाधार बढ़ाने का प्रयास नहीं करेंगे? और अगर करेंगे तो क्या दोनों पार्टियों के बीच में टकराव की वजह नहीं बनेगी? फिलहाल पीएम मोदी के इस दाव से महाराष्ट्र में विपक्षी राजनीति रिटायर्ड हर्ट दिख रही है। मुंबई से रौनक कुकड़े, जितेंद्र दीक्षित के साथ विकास भदौरिया की रिपोर्ट।
एक बात यहाँ नोटिस की होगी आपने और नहीं किए तो आप कर लीजिए कि बीजेपी पीएम की अगुवाई, पीएम मोदी की अगुवाई में जो बीजेपी है, उनके जो मार्गदर्शन में बीजेपी चल रही है, वो एडॉप्टेशन में किसी भी चीज़ का अनुसरण करने में बहुत तेज़ी से फैसले करती है। वो लकीर की फकीर वाली पार्टी नहीं है, वो वक्त के हिसाब से, हालात के हिसाब से फैसले करती आई है और उस उन फैसलों को आगे जाके बदल भी देती है। कुछ उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। गुजरात में पाटीदार समुदाय का प्रभाव है, जब जरूरत लगी कि पाटीदार समुदाय को अपने साथ नहीं रखना है तो विजय रूपानी साहब को मुख्यमंत्री बना दिया, और विजय रूपानी को मुख्यमंत्री बनने के बाद अचानक अभी कुछ दिनों पहले भूपेंद्र पटेल, जो कि पाटीदार समाज से आते हैं, उनको मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी दे दी और विजय रूपानी को उस कुर्सी से हटा दिया, क्योंकि अब बीजेपी को लगता है कि उसको पाटीदारों के वोट चाहिए हैं। इसी तरीके से कर्नाटक में लिंगायत समुदाय के बोम्मई साहब को मुख्यमंत्री बनाया गया, यानी बीजेपी कास्ट पॉलिटिक्स को करने से नहीं हिचक रही है। ये वो बोम्मई साहब हैं जो बीजेपी के मूल काडर नहीं हैं। इसी तरीके से त्रिपुरा में जो किया गया, मानिक शाह को बना दिया गया, मानिक शाह कांग्रेस के कोटे से आए हैं। हेमंत बिश्व शर्मा असम के जो मुख्यमंत्री बने वो भी कांग्रेसी हैं। यानी बीजेपी को, लीडरशिप को जब लगा कि ये नेतृत्व, ये लीडर और उसकी कास्ट पार्टी की जीत के लिए ज़रूरी है, तो पार्टी ने वो फैसले वक्त वक्त पर किए हैं। और इसीलिए आज ये लग रहा है कि मराठा कार्ड खेलकर, क्योंकि बीजेपी के पास महाराष्ट्र में बड़ा मराठा नेता अभी तक नहीं दिखाई दे रहा है, जो कि जिसकी अपील पूरे महाराष्ट्र में हो। हालांकि आज की तारीख में एकनाथ शिंदे की अपील पूरे महाराष्ट्र में होगी, ये कहना जल्दबाजी है, लेकिन 2024 तक ये वक्त है बीजेपी के पास कि एकनाथ शिंदे को स्थापित कर दें एक मराठा नेता के तौर पर। शिंदे आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हो चुके हैं। देवेंद्र फडणवीस जो ब्राह्मण कम्युनिटी से आते हैं वो उनके डिप्टी हैं, उप मुख्यमंत्री हैं। सवाल ये है कि क्या इस जोड़ी का, कि जो मराठा और ब्राह्मण की जोड़ी है, इसका पहला इम्तहान बीजेपी बीएमसी चुनाव में देखने वाली है, जब सीधे उसका मुकाबला शिवसेना से होगा, उस शिवसेना से जो सालों साल से बीएमसी पर शासन कर रही है। मेरे सहयोगी रौनक कुकड़े की रिपोर्ट देखिए, समझ में आएगा कि 3 महीने बाद होने वाले ये बीएमसी के चुनाव क्यों करो या मरो की लड़ाई होने वाले हैं। किसी को कुछ पाने के लिए ऐसा नहीं हुआ, ये निर्णय जो हुआ एक आइडियोलॉजी की बात है। ये बाला साहब ठाकरे जी की हिंदुत्व की बात है। और इस राज्य के विकास की बात है। महाराष्ट्र में शिंदे सरकार के उदय के साथ क्या शिवसेना के ठलने की शुरुआत भी हो जाएगी? ये सवाल कौंधने लगा है, क्योंकि उद्धव के पास एक तिहाई पार्टी बची है और आगे चुनौतियों का पहाड़ है। निचले स्तर पर खड़े कैडर का मूड क्या है, ये भापना भी उद्धव के लिए मुश्किल है, क्योंकि शिंदे के विरोध में प्रदर्शन हो रहे हैं तो समर्थन में पटाखे भी फूट रहे हैं। अदावत की एक जंग जीत कर शिंदे गुट बढ़त ले चुका है। दूसरी अग्नि परीक्षा सितंबर में, यानी बीएमसी चुनाव। 1985 से शिवसेना का मुंबई महानगर पालिका पर कब्जा रहा है और 1996 से शिवसेना का उम्मीदवार ही मेयर की कुर्सी पर बैठा। तब बीजेपी भी शिवसेना के साथ थी, लेकिन अब शिवसेना दो फाड़ है, उद्धव कमजोर हैं और बीजेपी एक मजबूत प्रतिद्वंदी के तौर पर उभर कर सामने आई है। बागियों के सत्ता में आने के बाद शिवसेना पहले ही सिकुड़ चुकी है, और अगर ऐसे में बीएमसी भी हाथ से गई तो समझो शिवसेना मातोश्री तक सिमट जाएगी। मुंबई पर प्रभाव खत्म हो जाएगा, क्योंकि हजारों करोड़ की संपत्ति वाली बीएमसी सोने की चिड़िया है। बीएमसी का 2022-23 का बजट 45,949 करोड़ रुपए का है, जो कि गोवा, सिक्किम, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय जैसे राज्यों के बजट की तुलना में बहुत ज्यादा है। बीएमसी में जिसकी सरकार, उसके सारे ठेके और ठेकेदार, यही से शिव सैनिकों को काम और पार्टी को फलने फूलने वाला फंड मिलता है। ऐसे में बीएमसी हाथ से गई तो पार्टी और चरमरा जाएगी। आसार इसलिए भी ठीक नहीं, क्योंकि शिंदे का प्रभाव क्षेत्र भले ही ठाणे है, लेकिन मुंबई के कार्यकर्ताओं पर भी उनकी पकड़ है। बीएमसी के आर्थिक तौर तरीकों पर कैग सवाल खड़े कर चुकी है। ऐसे में शिंदे गुट भ्रष्टाचार को मुद्दा बना सकता है।
बीएमसी की लापरवाही से मुंबई हर बार बारिश में डूबती है, इसलिए शिंदे गुट को जनता मौका भी दे सकती है। शिंदे गुट कैसे चुनाव लड़ता है, बीजेपी के साथ लड़ता है, अलग रहता है, सिर्फ वोटों का बंटवारा करने के लिए उनका इस्तेमाल होता है या साथ में लेके लड़ेंगे, ये सारी चीजें मेरे ख्याल से उस पर निर्भर करती है, लेकिन कुछ न कुछ नुकसान तो जरूर होगा शिवसेना का। शिवसेना के लिए आगे कुआं पीछे खाई वाला हाल है, पार्टी तो टूटी ही टूटी, डर चुनाव चिन्ह पर शिंदे गुट के दावे का है, इसलिए दोनों गुट खुद को असली शिव सैनिक साबित कर रहे हैं। एक मजबूत ऐसा संगठन हुआ है कि आज एक काम करने वाला मुख्यमंत्री जो महाराष्ट्र के हर कोने में जा सकता है। ये 30 लोग को मैं भी कहती हूँ कि फिर से लौट कर आए, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाएं और उन शिव सैनिकों के बगैर वहां से लड़कर दिखाएं। ये तूतू मैं अगर चुनाव आयोग की दहलीज तक पहुंचा तो वहां से 3 रास्ते निकलेंगे। पहला ये कि चुनाव आयोग उद्धव गुट को असली शिवसेना माने और चुनाव चिन्ह वापस ना ले। दूसरा कि शिंदे गुट की दावेदारी को चुनाव आयोग मान ले, तीर धनुष उसे मिल जाए। या फिर तीसरा ये हो सकता है कि चुनाव आयोग इलेक्शन सिंबल को फ्रीज कर दे, यानी किसी गुट को चिन्ह ना मिले। लोक जनशक्ति पार्टी में जब चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच फूट हुई थी तब आयोग ने सिंबल फ्रीज कर दिया था। चुनाव चिन्ह पर दावेदारी सिर्फ विधायकों और सांसदों की संख्या बल से तय नहीं होती। चुनाव आयोग ये भी देखता है कि पार्टी के कितने पदाधिकारी किस गुट के साथ हैं। इस मामले में उद्धव ठाकरे का पलड़ा भारी है क्योंकि उनके विधायक टूटे हैं, पदाधिकारी उनके साथ ही हैं। बागियों ने पहले उद्धव की सरकार पलटी, अब ताबड़तोड़ फैसले बदले जा रहे हैं। शुरुआत फडणवीस ने की है। 2019 में उद्धव ने सत्ता में आते ही मेट्रो कार शेड के काम को आरे कॉलोनी से कंजूर मार्ग शिफ्ट कर दिया था। अब फडणवीस ने डिप्टी सीएम की हैसियत से कार शेड को आरे कॉलोनी शिफ्ट कर दिया है। केंद्र सरकार के रिफाइनरी प्रोजेक्ट को महाविकास अघाड़ी सरकार ने रोक दिया था। मुमकिन है कि शिंदे सरकार प्रोजेक्ट को जल्द शुरू कर दे। उद्धव सरकार ने बुलेट ट्रेन के लिए जमीन का अधिग्रहण नहीं किया था, अब हो सकता है काम बुलेट की रफ्तार से हो। आरेचा निर्णय त्याने जो बदलला त्याने मला खरंच दुःख झालेलं आहे। माझं म्हणजे माझं नाही, मी पर्यावरणवाद्यांच्या सोबत आहे, पर्यावरणाच्या सोबत आहे। मुंबई करो के हित में तुरंत अगर मेट्रो शुरू करनी है तो कार शेड वही बनना चाहिए। सत्ता बदलते ही सियासी मूड, मिजाज और काम करने का माहौल सब साथ में बदलता है, और शिवसेना ने खुद को जल्दी खड़ा नहीं किया तो फिर संकट और गहरा जाएगा। इस बीच मुंबई में एक्चुअली कहानी में बहुत सारे पात्र हैं और बहुत सारे ट्विस्ट हैं। शिवसेना शिवसेना है कि नहीं, ये अभी किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी असली शिवसेना है। इसीलिए अभी एक महत्वपूर्ण बयान आया है बागी गुट जो कि शिंदे गुट है, उनके प्रवक्ता दीपक केसरकर की तरफ से ये बड़ी खबर आ रही है। दीपक केसरकर ने कहा है कि उद्धव ठाकरे से बात की जाएगी, यानी उद्धव ठाकरे जिनको वो अब सम्मानित नेता बता रहे हैं, पार्टी का मुखिया बता रहे हैं, उस गुट उस उद्धव ठाकरे से जिसको नाराज करके पूरी सरकार बनी, अब ये बागी गुट बातचीत करने के मूड में दिखाई दे रहा है। ये महत्वपूर्ण खबर है, बड़ी खबर है इस वक्त की, जो दीपक केसरकर का बयान आया है कि तमाम बागी विधायक जो हैं करीब 50 के आसपास कल इनके गोवा से मुंबई पहुंचने की संभावना है। कब ये बातचीत होगी वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि इधर शिंदे गुट के बागी गुट की सरकार बनी और उधर जो महाविकास अघाड़ी के नेता थे उनके घर पर जांच एजेंसियों के छापे पड़ने या नोटिस मिलने शुरू हो गए हैं। शरद पवार को इनकम टैक्स का नोटिस मिल चुका है, संजय राउत को ईडी के चक्कर के आज दफ्तर के आज चक्कर लगाने पड़े हैं, संजय राउत वहां पहुंचे हैं। और इन सब के बीच में एक खबर ये भी आ रही है कि एकनाथ शिंदे खुद को जो आज भी शिव सैनिक कहते हैं और उद्धव ठाकरे के खिलाफ अभी भी उनके खिलाफ उस तरीके से बात नहीं कर रहे हैं कि जैसे पार्टी से या उद्धव ठाकरे से वो सीधे तौर पे नाराज हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे को लगता है कि एकनाथ शिंदे ने धोखा दिया है और जो वो मुख्यमंत्री बने हैं तो वो शिव सैनिक मुख्यमंत्री नहीं है, वो शिवसेना से बाहर जाकर मुख्यमंत्री बने हैं। लेकिन एकनाथ शिंदे की जो भाव भंगिमाएं हैं वो बता रही हैं कि उन्होंने अपने गुरु आनंद दीघे की जो गुरु दक्षिणा थी वो आज उनको दे दी है। देखिए ये खास रिपोर्ट। धर्म वीर आनंद दीघे साहब को स्मरण करो, धर्म
वीर आनंद दिघे साहेबांच्या आशीर्वादाने मी एकनाथ संभाजी शिंदे ईश्वर साक्षात शपथ घेतो की महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की जुबान पर जो नाम हमेशा रहता है वो है आनंद दिघे। अगर आनंद दिघे नहीं होते तो ऑटो चलाने वाले शिंदे आज महाराष्ट्र नहीं चला रहे होते। हमारे शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे जी की हिंदुत्व की जो भूमिका है, उनके जो विचार है, हमारे धर्म में आनंद दिघे साहब ने जो हमें सीख दी है, ये इसको आगे हम लोग बढ़ाने की कोशिश। इस जून शिंदे ने महाराष्ट्र की राजनीति पलट कर रख दी, लेकिन अब से 22 साल पहले वो जून का ही महीना था जिसने शिंदे की जिंदगी पलट कर रख दी थी। शिंदे के एक लड़के और लड़की की डूबने से मौत हो गई थी। इसके बाद शिंदे में ऐसा वैराग्य जगा कि वे राजनीति छोड़ने को तैयार हो गए, लेकिन आनंद दिघे ने उन्हें अड़ना और लड़ना सिखाया। शिंदे के लिए ये सीएम पद दिघे की खातिर एक गुरु दक्षिणा की तरह है। आनंद दिघे कट्टर शिवसैनिक थे। शिंदे भी खुद को शिवसैनिक बताते हैं, लेकिन शिवसैनिकों के लिए सबसे बड़े मंदिर मातोश्री में जाएंगे या नहीं, इस सवाल को उन्होंने कयासों के लिए छोड़ दिया। मातोश्री में कभी जाना तुम्हें का जाना का जाना नहीं या बाबती मध्ये जेव्हा वेळ येईल तेव्हा आपल्याला कळेल। लेकिन उद्धव ठाकरे के तेवर और मन से निकली टीस बता रही है कि शिंदे के लिए मातोश्री की दूरी बहुत बढ़ गई है। समृद्ध निर्माण करण्यासाठी शिवसेनेचा मुख्यमंत्री हा तसा शिवसेनेचा मुख्यमंत्री नाही, कारण शिवसेनेला बाजूला ठेवून शिवसेनेचा मुख्यमंत्री होऊ शकत नाही। गोवा से मुंबई तक मुख्यमंत्री शिंदे अपने मंत्रिमंडल की रूपरेखा बनाने में जुटे हैं। एकनाथ संभाजी शिंदे महाराष्ट्र का ताज तो मिल गया, लेकिन अब चुनौतियां बड़ी हैं, क्योंकि वो अब सिर्फ कट्टर शिवसैनिक आनंद दिघे के चेले नहीं, राज्य के मुख्यमंत्री हैं। संवाददाता जितेंद्र दीक्षित की रिपोर्ट। वैसे अगर कोई आपको ये कहे, एक जून को कहे कि एक जुलाई तक ये सरकार गिर जाएगी, तो शायद आपको लगेगा कि नेता है, डींगे हाँकता है, बोलता ज्यादा है, फेंकता ज्यादा है, लेकिन दरअसल हुआ ऐसे ही। बीजेपी के एक छोटे से नेता हैं, छोटे भैया नेता कह लीजिए आप उसको, बहुत बड़ा कद पार्टी में उनका नहीं है, उन्होंने इस बात का ऐलान 1 जून को कर दिया था कि उद्धव सरकार 1 जुलाई नहीं देख पाएगी, 30 जून तक सरकार गिर जाएगी, और वही हुआ। ऐसा कैसे बोला और ये कौन नेता है, उनका पुराना बयान, उनका ताजा बयान, और कैसे इस पूरे बगावत में उनका खेल रहा, आइए आपको दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट में। 1 तारीख तुम्हारी थी जून की, 30 तारीख मेरी रहेगी। जस मी माझ्या मुख्यमंत्री पदाचा आज राजीनामा देतोय। 1 जुलाई आने नहीं दूंगा, इस बात को याद रखना। महाराष्ट्र में खेल एकनाथ शिंदे ने किया, लेकिन सुर्खियों में मोहित कंबोज का बयान है, जिन्होंने 2 जून को उद्धव सरकार की विदाई की तारीख तय कर दी थी, वो भी मीडिया के सामने बाकायदा खुल्लम खुल्ला सीना ठोक कर चैलेंज देकर। ना मुझे अपमान का भय है, ना सम्मान की इच्छा है, ये लड़ाई ये जंग मेरी जारी रहेगी, और जिसने ये पूरा रचा है, 1 तारीख तुम्हारी थी, 30 तारीख मेरी रहेगी, इस बात को मीडिया से सुन लेना। 1 तारीख तुम्हारी थी जून की, 30 तारीख मेरी रहेगी, 1 जुलाई आने नहीं दूंगा, इस बात को याद रखना। जिस कैबिन में बैठ के राइट हैंड साइड में तुम टीवी पे ये इंटरव्यू देख रहे हो, उसी में बोलता हूँ कसम माँ गंगा की, कसम महादेव की, कसम महादेव की, मैं भी उत्तर भारत से हूँ और इसका जवाब 30 दिन के अंदर दूंगा। मोहित कंबोज ने 2 जून को जैसा कहा, 28 दिन बाद हूबहू वैसा ही हुआ। 29 की देर रात उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दिया, 30 को बीजेपी सत्ता में आ गई और कंबोज के दावे पर मोहर लग गई। मैं एकनाथ संभाजी शिंदे ईश्वर साक्षात शपथ घेतो की माझी कामे निष्ठापूर्वक व शुद्ध बुद्धि ने पार पाडीन। क्या मोहित कंबोज जानते थे शिवसेना में बगावत होने वाली है? क्या मोहित कंबोज जानते थे शिंदे गुट आखिरी हफ्ते में उलट फिर करेगा? क्या मोहित कंबोज जानते थे बीजेपी शिंदे गुट के साथ सत्ता में आएगी?
या फिर मोहित कंबोज ने जो कहा वो महज एक संयोग था। इन सारे सवालों के जवाब मोहित कंबोज ही दे सकते हैं और वो अब मौन साधना पर चले गए हैं। हाँ, इतना जरूर है उनका और उद्धव सरकार का 36 का आंकड़ा रहा है। इंडियन ओवरसीज बैंक फ्रॉड मामले में मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने बीते मई में कंबोज के खिलाफ केस दर्ज किया था। आर्म्स एक्ट, स्टेट जीएसटी और बीएमसी की तरफ से भी कंबोज को हाल फिलहाल में कई नोटिस दिए गए थे। राज्य सरकार की तरफ से उनको थोक के भाव से दिए गए नोटिस और दर्ज किए गए केस की वजह से ही कंबोज 2 जून को उद्धव पर भड़के थे और उनके मुंह से 30 तारीख तक सरकार जाने की बात निकली थी। कंबोज देवेंद्र फडणवीस के चुनावी अभियान की योजना बनाने में सक्रिय रूप से शामिल रहे हैं, इसलिए उन्हें फडणवीस का करीबी भी माना जाता है। हालांकि कंबोज का नाम तब सुर्खियों में आया जब नवाब मलिक ने आरोप लगाया। आर्यन का केस फिरौती और किडनैपिंग का है जिसके मास्टरमाइंड मोहित कंबोज हैं। हनुमान अजान विवाद में भी लाउडस्पीकर बांटने की वजह से कंबोज चर्चा में रहे और अब उनका बयान चर्चा बटोर रहा है, सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है। मुंबई में जबरदस्त बारिश हो रही है, ऑरेंज अलर्ट है। ऑरेंज मतलब लगातार मूसलाधार बारिश, जो कि मैं सुबह से यहाँ पर देख रहा हूँ। और एक बारिश मुंबई को हमेशा परेशान कर देती है, मुंबई को लबालब कर देती है। पर अब मुंबई को एक ऐसा मुख्यमंत्री बना है जो बारिश से लड़ना जानता है, बारिश से लोगों को मदद पहुंचाना जानता है। आप ठीक समझे, मैं एक नाथ शिंदे की बात कर रहा हूं जिन्होंने बारिश में ठाणे में अपने इलाके में लोगों को बहुत मदद पहुंचाई है। तो ठाणे का फॉर्मूला शिंदे का क्या मुंबई में चलेगा, आइए देखते हैं। मुंबई एक दिन की बारिश में डूब गई, शहर थम गया। फसई में सड़कें सरोवर बन गईं। ये तो मुंबई में बारिश का आगाज है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अंजाम क्या होगा। महाराष्ट्र में वर्षा होती रही, उधर नए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री आवास वर्षा में जाने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। लेकिन सवाल है कि क्या मुंबई को इस सालाना समस्या से मुक्ति मिलेगी। मुंबई में पानी भर रहा है, वो भी डिजास्टर की मीटिंग में। इसलिए मैं मीटिंग में जा रहा हूँ, डिजास्टर मैनेजमेंट के मीटिंग में। शिंदे से ये उम्मीद इसलिए है कि जरूरत पड़ने पर वो बाढ़ के पानी में भी उतरने से कभी घबराते नहीं। ये तस्वीर पिछले साल 24 जुलाई की है जब रायगढ़ जिले में बाढ़ और बारिश ने तबाही मचाई, तब शिंदे प्रभावित इलाकों में घूमते रहे। और ये तस्वीर 3 साल पहले की है जब बदलापुर में महालक्ष्मी एक्सप्रेस बाढ़ में फंस गई, तब 700 से ज्यादा फंसे लोगों के बीच शिंदे खड़े दिखे। कल जो सिस्टम है, रेस्क्यू टीम है, वो सब लोग काम कर रहे थे। अभी बहुत से सभी लोगों को निकाला है, कुछ लोग है उनको भी निकाल रहे हैं अभी। सर, जो रेस्क्यू का बात आप कर रहे हैं, स्थानीय कार्यकर्ता, स्थानीय लोग, जो लोग रेस्क्यू होके आ रहे हैं वो तो कह रहे हैं कि इन्होंने मदद की, पर प्रशासन के पहुंचने में बड़ी देरी हो गई, घंटों भूखे प्यासे रहना पड़ा। ये बात देखिए, अभी रात से बारिश गिर रही थी, बहुत जोरों की बारिश थी और इसमें सभी जो यहाँ के जो रास्ते हैं वो भी पानी के नीचे थे, इसलिए बचाव कार्य में जरूर कुछ अड़चने आई है, लेकिन अभी सभी लोगों को सुरक्षित निकाला गया। तब शिंदे मंत्री थे, अब मुख्यमंत्री के रूप में उनकी जिम्मेदारियाँ भी बड़ी हैं और चुनौतियाँ भी। हालांकि मैं मुंबई में, लेकिन एक खबर मैं आज दिल्ली की देता हूँ, सुप्रीम कोर्ट की देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने आज जमकर फटकार लगाई है बीजेपी की निलंबित नेता नूपुर शर्मा को और दिल्ली पुलिस को। और इस फटकार का असर यह हुआ है कि अभी ये बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली पुलिस एक बार फिर से नूपुर शर्मा को नोटिस देने का मन बना रही है। इस वक्त ये बड़ी खबर है कि नूपुर शर्मा को दिल्ली पुलिस पूछताछ के लिए फिर से नोटिस देने वाली है। और आपको बता दें कि आज सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक टिप्पणी में यहां तक कह दिया था कि दिल्ली पुलिस ने तो जैसे नूपुर शर्मा के लिए रेड कारपेट बिछा कर रखा हुआ है,
उस दिल्ली पुलिस को एक तरीके से लताड़ा था, फटकारा था। बात यहीं पे खत्म नहीं हुई, नुपुर शर्मा के बारे में भी यहां तक कहा सुप्रीम कोर्ट की आज वेकेशन बेंच ने कि क्या नुपुर शर्मा अगर माफी मांग लेती तो आज उदयपुर होता, और उदयपुर के जो कन्हैयालाल के कातिल हैं रियाज और गौस, उनको पर अभी सवाल खड़े हो रहे हैं कि कब उनकी गिरफ्त, कब उन पर उनका हिसाब किताब तय होने वाला है। लेकिन नुपुर शर्मा आज एक बार फिर सुर्खियों में है। नुपुर शर्मा सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी रिलीफ मांगने को लेकर, लेकिन उल्टा उनको वहां पर फटकार लगी है और उस फटकार पर अब सियासत शुरू हो गई है। देखिए एक रिपोर्ट। तो क्या कन्हैया का गला यूं न रेता जाता? तो क्या शहर दर शहर पत्थर और आगजनी नहीं होती? तो क्या ये मौलाना ऐसे भड़काऊ बयानों से तौबा कर लेती? मेरे नबी की शान में अगर एक लफ्ज भी बोला तो याद रख लो जबान काट ली जाएगी। ये सवाल हम नहीं उठा रहे, बल्कि ये सवाल सुप्रीम कोर्ट में आज नुपुर शर्मा को मिली फटकार से उठे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ कहा उसका लब्बो लुवाब ये है कि देश में नफरत की आग नहीं धधकती अगर नुपुर की जुबान से नफरत की एक चिंगारी 27 मई को फूटी न होती। आज सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जमशेद पारदीवाला ने नुपुर शर्मा से कहा, आपके चलते देश की स्थिति बिगड़ी हुई है, उदयपुर में जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई वो आपके बयान का नतीजा है, आप खुद को वकील कहती हैं और ऐसा गैर जिम्मेदाराना बयान देती हैं। कोर्ट में नुपुर के 5 जून वाले माफीनामे का भी जिक्र आया जो उन्होंने ट्विटर पर पोस्ट की थी, लेकिन अदालत में इस माफीनामे की भी बखियां उधेड़ी गई। कोर्ट ने कहा, आपने देर से माफी मांगी, वो भी शर्त के साथ कि अगर किसी की भावना आहत हुई हो तो बयान वापस लेती हूँ। आपको राष्ट्रीय टीवी पर आकर पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। सत्ता में बैठी पार्टी का सदस्य होने से उसकी ताकत दिमाग पर हावी नहीं हो जानी चाहिए। इस मामले को लेकर खुद नुपुर शर्मा ही कोर्ट पहुंची थी। नुपुर पर दिल्ली, मुंबई, ठाणे, भिवंडी, परभनी, कोलकाता और हैदराबाद में विवादित टिप्पणी पर अलग अलग मामले दर्ज हैं। नुपुर चाहती थी कि सुप्रीम कोर्ट इन सारे मामलों को दिल्ली ट्रांसफर कर दे। उन्होंने दलील दी कि विवादित टिप्पणी के बाद से ही उन्हें जान से मारने और रेप की धमकी भी मिल रही है और दिल्ली में पहले ही जांच चल रही है। इस दलील पर अदालत ने नुपुर के साथ ही दिल्ली पुलिस की भी खिंचाई की। दिल्ली में दर्ज एफआईआर में क्या कार्रवाई हुई है, यहाँ तो शायद आपके लिए दिल्ली पुलिस ने रेड कार्पेट बिछा रखा है, आपको विशेष दर्जा मिल रहा है, लेकिन ऐसा दर्जा कोर्ट में नहीं मिलेगा। द एटमॉस्फेयर इन द कंट्री हैज बीन क्रिएटेड बाय द रूलिंग डिस्पेंसेशन, राइट? इट इज नॉट द पर्सन हु हैज मेड द कमेंट, इट इज द प्राइम मिनिस्टर, इट इज द होम मिनिस्टर, इट इज द बीजेपी एंड द आरएसएस दैट हैज क्रिएटेड दिस एनवायरनमेंट इन द कंट्री। मैं देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से अपील भी करता हूं और डिमांड भी करता हूं कि नुपुर शर्मा को बचाने से रोकें। और नुपुर शर्मा तो एनईसी की मेंबर है, कल हैदराबाद साइबराबाद में एनईसी की बीजेपी की बैठक है, तो नुपुर शर्मा को बुलाया जाएगा उसमें, क्या एनईसी में इस पर बात होगी? इस पर नुपुर का नाम लेकर अगर विरोधी बीजेपी पर हमलावर हैं तो बीजेपी के ही नेता निखिल आनंद ने कोर्ट पर सवाल उठा दिए। बीजेपी ओबीसी मोर्चा के महासचिव निखिल आनंद ने ट्विटर पर लिखा, क्यों कुछ न्यायाधीश अपनी जाति, वर्ग, धर्म, पसंद और विचारधारा से प्रभावित व्यक्तिगत राय व्यक्त करने के इच्छुक हैं? न्यायाधीश संविधान के संरक्षक हैं, वो एक व्यक्तिगत राय निर्माता नहीं है और उनका अतिशोक्ति समाज को और अधिक नुकसान पहुंचाएगा। निखिल आनंद जिस नुपुर की साइड ले रहे हैं उन्हें बीजेपी साइड लाइन कर चुकी है। हैदराबाद में हो रही बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भी जब नुपुर पर सवाल पूछा गया तो बीजेपी ने कन्नी काट ली। बीजेपी भले ही बचने की कोशिश करे लेकिन नुपुर शर्मा ने जिस विवाद को जन्म दिया है वो आसानी से पीछा नहीं छोड़ेगा। तो अब कार्यक्रम के आखिर में वक्त हो गया है आज के सवाल पर आपके जवाब को बताने का। आज हमारी लीड स्टोरी देवेंद्र फडणवीस पर थी और उसी पर हमारा आज का सवाल था जो हमने अपने ट्विटर हैंडल @ABPNews पर पूछा था। सवाल था कि फडणवीस को डिप्टी सीएम बनाने के बीजेपी आलाकमान के फैसले को आप कैसे देखते हैं। 3 ऑप्शन आपके सामने थे,
आइए देख लेते हैं आपके नतीजे, इस पोल के नतीजे क्या हैं। ऑप्शन ए था 2024 की तैयारी, 60% लोग इसको वजह बता रहे हैं कि बीजेपी 2024 की तैयारी कर रही है। ऑप्शन बी था मराठा वोट पाने के लिए किया गया, तो ये 16% लोग ऐसा कह रहे हैं। और ऑप्शन सी था कि फडणवीस के पर कतरे गए हैं, उनको 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 छोटा किया गया है, ऐसा 24% मानते हैं। तो ज्यादातर लोगों को लगता है कि बीजेपी ने जो ये कदम उठाया आलाकमान ने, वो दरअसल 2024 की तैयारी के मद्देनजर उठाया गया है। इसी नोट पर आज के इस खास एडिशन में जो आप इंडिया चाहता है देखिए मुंबई से, मुझको दीजिए इजाजत। फ्राइडे की शाम है, आपका वीकेंड अच्छा हो इसकी मैं कामना करता हूं। सिटी जानी ना, कोरिया सिटी। हाँ शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। आपको पता होगा हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है। और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। बाबा ने भेजा है। कम हियर। क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर। जो तुम्हें यहां तक ले आया। क्यूरियोसिटी। ABP News, आपको रखे आगे।